नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज हम मौजूद हैं आईएमए एग्रीमैक के 7वें संस्करण में, जिसको आयोजित किया जा रहा है बेंगलोर में जीकेवी के ग्राउंड पर। तो हम आप पहुंचे हैं रत्नागिरी इंपैक्स कंपनी में, जिसका एक काफ़ी फेमस ब्रांड है एग्रीमैक, और हमारे साथ मौजूद हैं रत्नागिरी इंपैक्स के एरिया सेल्स मैनेजर संजय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, रत्नागिरी इंपैक्स जो कंपनी है वो किस तरीके से कार्य करती है और किसानों के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आती है? सर, हम लोग डीलर नेटवर्क थ्रू हम काम करते हैं, और हम लोग हर चीज़ के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, फॉरेस्ट, हर एक सेगमेंट में हम लोग हमारा इक्विपमेंट्स बनाते हैं। इम्पोर्टेंट, वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर असेंबलिंग द इक्विपमेंट्स। कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो बागवानी, खासकर बागवानी क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम है, बागवानी और कृषि में इस यूज़ होते हैं? या सर, हमारे पास है स्प्रेयर्स है, टिलर्स है, जैसे कि टिलर्स है, स्प्रेयर्स है, और चैन सॉज, ये तो छोड़िए, चैन सॉ ये फॉरेस्ट्री को हो जाता है, और सिकेचर्स है, मेजर सिकेचर, ब्रश कटर्स है, आपके लिए ब्रश कटर्स है, स्प्रेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट हैं। सर, एक क्वालिटी की बात आती है और बजट की, दोनों चीज़ मैच करने में किसान को जो है थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि किसान को कम बजट में अच्छा उत्पाद चाहिए होता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप अपनी कंपनी की ओर से? सर, कम पैसे में आप अच्छा क्वालिटी तो नहीं दे सकते, पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही जब तुमको क्वालिटी चाहिए। तो आपका आजकल इतने लोग आ गए हैं कि वो कम पैसे में देते हैं, और तुमको क्या होता है कि किसान ये नहीं सोचता कि वो 100 सर्विस लेके जाना पड़ता है, और एक बार तुम वो मशीन रुक गया, सर्विस गया, तो उसका 1000 रुपये लॉस हो गया, उस दिन का उसका काम भी गया, और उसको ले आना, ले जाना वो नहीं सोचता। वो 1000 रुपये ज़्यादा दोगे तो तुमको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड की अगर हम आपके प्रोडक्ट की, जो आपके उत्पाद हैं उनकी बात करें, तो कितना मैटर करता है क्वालिटी आपके लिए फार्मर परस्पेक्टिव? मैक्सिमम उनको क्वालिटी मैटर करता है, क्योंकि बार बार वो सर्विस करने से उसका काम रुक जाता है, उसको कंटिन्यूस चलना चाहिए। एक बार मशीन लेगा तो 2-3 साल तो बिना रुके ही चलना चाहिए काम। अब तुम ले लोगे दो महीना और लेने के 1 हफ्ते में रुक गया मशीन, तो क्या काम का है? और सीज़न में जब वो मशीन रुक गया, तुम उसको स्प्रे नहीं कर सके, तो तुम्हारा फसल ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी तक देखा गया था कि चाइना से यहाँ पे काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते थे, जैसे मिनी कल्टीवेटर हो गया और बागवानी प्रोडक्ट्स हो गए। तो अभी भी हालांकि ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो कितना कंपटीशन मानते हैं? हर चीज़ तो मैक्सिमम आता है चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर, इसमें दोहरा ही नहीं है क्या? वो भी ऐसा नहीं बनाते कि चाइना से आ रहा है मतलब वो थर्ड क्वालिटी का नहीं है। तुम जो प्रोडक्ट तुम क्वालिटी दोगे, वो क्वालिटी से बना देंगे वो लोग। और ऐसा नहीं कि आईफोन भी चाइना में ही बनता है, आपको पता रहेगा, इसका मतलब वो चाइनीज़ फ़ोन नहीं है, वो अमेरिकन फ़ोन ही है। तो आपका कितना कंपटीशन है, मतलब मानते हैं कहीं ना कहीं कि कोई कंपटीशन है इस? हाँ, कॉम्पिटेटर्स है। आजकल जो फार्मर लोग हैं वो प्राइस में ही देखते हैं, बट चलो तुम एक्सप्लेन करोगे तो वो समझ जाएंगे उसका क्वालिटी क्या है, उसको कम प्राइस में लेने से क्या क्या लॉस होता है फार्मर को, वो समझाने में है। आप ठीक से समझाओगे तो ले लेंगे। देश के किन किन राज्यों में आपका नेटवर्क है? हर राज्य में है, पैन इंडिया में है हमारा, मैक्सिमम तो साउथ में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में भी है। अब चूंकि आपके पास ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने बताया साउथ में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ज़्यादातर बागवानी वाली फसलें होती हैं इन क्षेत्रों में, तो क्या वहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है? हमारे प्रोडक्ट जाता है मैक्सिमम 90 टिलर जाता है, और ये जो टिलर है ये बैक रोटर, ये टिलर जाता है, और सेब में वगैरह वो काम करने के लिए वो लेके जाता है। एग्रीमेंट, या फिर यूं कहें कि रत्नागिरी इंपैक्स की ओर से आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? वेल डन बोलना चाहेंगे, बिकॉज हमारा GDP रुका है एग्रीकल्चर के ऊपर, बैकबोन तो फार्मर्स ही है ना हमारे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसान जो है एक जब उत्पाद खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, उसके चयन में थोड़ा सा वो मतलब कम प्राइस के चक्कर में आके कहीं ना कहीं क्वालिटी से खिलवाड़ कर जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ले पाता वो कम उत्पादों में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? उसको क्या कहना चाहेंगे, वो उसको स्टडी करना चाहिए। आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल में हर चीज़ मिलता है, कौन सा क्वालिटी कैसा है, तुम लोग एक बार देख लोगे तो हर कोई अपलोड करता है क्वालिटी के बारे में। आजकल फार्मर्स भी बहुत शार्प हो गए हैं, देख के आते हैं। किसी तरीके की कोई सब्सिडी आपके प्रोडक्ट्स पर अभी तक? हाँ है, हर जगह सब्सिडी, जहाँ जहाँ किस स्टेट में अवेलेबल है उस स्टेट में हम लोग उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय जी रत्नागिरी इम्पैक्ट से, जिन्होंने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया और कहाँ कहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी। सर, मेरा आपसे चलते चलते लास्ट सवाल था कि यदि कोई कंपनी का कोई टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबर है तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो आसानी से आपकी कंपनी तक पहुँच। इस टोल फ्री नंबर से जो भी किसान फ़ोन करेगा, मिस कॉल भी देगा, तो हम लोग उनको कॉल बैक करके उनका जो भी है रिक्वायरमेंट हम पूछ के बाद में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। कंसर्न वहाँ का जो भी मैनेजर है फॉलोअप करने के लिए, आपको जो भी कंसर्न डीलर है वो लोग किसान से फॉलोअप करेंगे। वो नंबर 08026985100। थैंक यू सो मच फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए फसल क्रांति, अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद।